हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट टेक में। और आज हम आपके लिए बड़ी ही खास चीज़ लेकर आए हैं। आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने सुना होगा व्हाट्सएप पर हम सिर्फ या तो पिक्चर्स भेज सकते हैं या लिख के भेजते हैं राइटिंग बोले तो, और या तो हम इमेजेस भेज सकते हैं। पर आप सोच सकते हैं कि क्या हम व्हाट्सएप से ऐप्स, गेम्स, ऐसे ऐप्स भेज सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैंने वही तरीका लेकर आया हूँ कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कैसे ऐप सेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड को। और वो भी बताऊँगा कि आपका जो फ्रेंड है वो उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, मतलब आपने भेजा फिर वो डाउनलोड करेगा उस ऐप को, और फिर उस ऐप को खोलने के बाद उसे वैसे तो कुछ नहीं दिखता, पर हम वो तरीका बताएंगे कि कैसे वो ऐप को कर सकेगा, ओपन कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले, सबसे मेन बात, आपके मोबाइल में दो ऐप्स होने चाहिए। पहला जो इसका सबसे मेन ऐप है व्हाट्सएप, और दूसरा ऐप आपका होना चाहिए ES फाइल एक्सप्लोरर, या तो अगर आपके पास प्रो भी हो ES फाइल एक्सप्लोरर प्रो तब भी कोई बात नहीं, मेरे पास प्रो है। अगर आपके पास ES फाइल एक्सप्लोरर भी हो तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ES फाइल एक्सप्लोरर खोलिए, मेरा प्रो है इसलिए ऐसे कर रहा है। फिर आपको जाना होगा ऐप्स में। अगर आपका फाइल एक्सप्लोरर है तो आपको ऐप्स दिखेगा, अगर आपका ऐसा है तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए। इधर आपको ऐप्स दिख गए। अब आपको जो भी ऐप भेजना है ना, अब हम बताएंगे कि आप कैसे भेजेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जैसे कि मैं भेज रहा हूँ अमेजोन से, मैंने क्लिक करके रखा। फिर इधर ग्रीन डॉट दिखेगा पे कीजिए, और फिर आपको दिखेगा शेयर का ऑप्शन, शेयर पे क्लिक कर दीजिए। फिर आएगा सेव, ES सेव टू, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। और फिर आपको दिखेगा एक बैकअप नाम का फोल्डर, बैकअप्स, उस पर क्लिक कर दीजिए। ऐप्स पे क्लिक कर दीजिए और कर दीजिए सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद बैक जाइए, सॉरी फ्रेंड्स, बैक जी, बैक के बाद आपको ये दिख रहा होगा बैकअप्स का फोल्डर। हाँ, यही बैकअप्स का फोल्डर, तो देखिए इसको ओपन कर दीजिए। ऐप्स पे जाइए और ये रहा हमारा ऐप, ये हमारा ऐप, ओके, ये रहे हमारे ऐप्स। तो ये रहा एक ऐप जो हमें अपने फ्रेंड को भेजना है, आपको डॉट एपीके दिख रहा है उसे हटा के कर दीजिए डॉट डीओसी बस। फिर ये आपका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद इसे आप शेयर कर दीजिए, आप व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिए, है ना। शेयर करने के बाद जैसे ही वो उधर पहुंच जाएगा तो आप कैसे उसे खोल सकेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी पता है कि कैसे वो खोल सकेंगे। तो जैसे कि आपने ये भेज दिया, अब भेजने के बाद अपने फ्रेंड को भी कहिए कि अपने मोबाइल में ES फाइल एक्सप्लोरर प्रो डाउनलोड कर ले, या फिर ES फाइल एक्सप्लोरर, ओके। जैसे ही वो यहाँ से सेंड हो जाएगा, फिर अगर आपका फ्रेंड वो खोलेगा तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। इसे आपको कुछ नहीं करना, फ्रेंड को बोलिएगा कि ES फाइल एक्सप्लोरर या प्रो डाउनलोड करके रखिए, फिर उसे ओपन कीजिए और फिर आपको मिल जाएगा। फिर आपके फ्रेंड को जो है जाना होगा व्हाट्सएप में नीचे, व्हाट्सएप के फोल्डर में के बाद मीडिया में जाइए, अपने फ्रेंड को बोलना कि ऐसा करें, और फिर व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में, और फिर क्या कहते हैं आपके फ्रेंड को ये सामने सामने दिख जाएगा जो भेजे गए हैं, ओके, आपका फ्रेंड के ये सामने सामने दिख जाएगा। और फिर दिखने के बाद आप अपने फ्रेंड को बोलिएगा उस पर क्लिक करके उसका रीनेम करके लास्ट में डॉट डी ओ सी से हटा के डॉट ए पी के कर दे, बस। अब देखिए ये ऐप बन चुका है, बस आपका फ्रेंड अब इजीली इसे ओपन कर सकता है। ओके फ्रेंड्स,
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ही होगा, मेरी गारंटी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और जितने हो सके जितने ज़्यादा 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 लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और सबसे मेन बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाय।